स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो कल मैंने प्रोनाउन के ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस करवाई थी आपको, ठीक है? टॉपिक है हमारा प्रोनाउन, तो उसी पे एक्सरसाइजेस करवाई थी। आज हम नेक्स्ट वही एक्सरसाइजेस, वही मीन्स उसके आगे वाली एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेंटेंसेस हैं, इनमें कहीं ना कहीं एरर है या फिर किसी सेंटेंस में एरर नहीं है, ठीक है? यू हैव टू फाइंड आउट वेयर दैट एरर एग्जिस्ट, कि वो एरर कहाँ है। तो स्टार्ट करें। चलो सेंटेंस वन, आई एंजॉय इन द फ्रेश एयर। क्या है हमारा पहला सेंटेंस है? आई एंजॉय इन द फ्रेश एयर, ठीक है? तो बताओ एरर है नहीं है, अगर है तो कहाँ है, ठीक है? बताओ आप लोग मुझे, शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ कहाँ है एरर। आई एंजॉय इन द फ्रेश एयर, तो आप लोगों ने बताना है कि एरर कहाँ पे है, ठीक है? बताओ। देखो बेटा यहाँ पर लगा है एंजॉय, एंजॉय के बाद आएगा माई सेल्फ। आई एंजॉय, यहां पर आप लोगों ने लिखना है माई सेल्फ। क्या लिखना है? माई सेल्फ, ठीक है? क्यों? क्योंकि एंजॉय जो है उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट, जब ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ क्या है? माई सेल्फ मैंने बताया था ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है? तो क्या किया हमने? आई एंजॉय माई सेल्फ इन द फ्रेश एयर, तो हमने एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज किया, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। समझ आ गई आप लोगों को? दोबारा समझाऊं? देखो बेटा, आई एंजॉय इन द फ्रेश एयर, ये हमारे पास सेंटेंस है, तो हमने क्या करना है? इस सेंटेंस में देखना है एरर है या नहीं है, या क्या करें तो ये सेंटेंस ठीक हो जाए। तो हम सोचेंगे कि एंजॉय के बाद हम लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई एंजॉय माई सेल्फ, आई एंजॉय माई सेल्फ इन द फ्रेश एयर, ठीक है? तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, हिज सन वॉन्टेड टू बाय एवरीथिंग दैट ही सॉ इन द फेयर, ठीक है? उसका बेटा क्या करना चाहता था? वॉन्टेड टू बाय एवरीथिंग, हर चीज खरीदना चाहता था, दैट ही सॉ इन द फेयर, जो उसने मेले में देखी। समझ आ रही है? His son wanted to buy, क्या बेटा? His son wanted to buy everything that he saw in the fair. His son wanted to buy everything that he saw in the fair. तो बताओ क्या ये सेंटेंस ठीक है या एरर है? बताओ जल्दी, शाबाश शाबाश, जल्दी करो, जल्दी बताओ मुझे। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, ठीक है? His son wanted to buy everything that he saw in the fair. तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो चलो नेक्स्ट, The students of this school, क्या है? The students of this school, इस स्कूल के स्टूडेंट्स और मोर इंटेलिजेंट, इस स्कूल के स्टूडेंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है? Than that of that one. अब आप देखो अच्छी तरह इस सेंटेंस को पढ़ो। The students of, A part है हमारा, B part है हमारा, this school are more intelligent, ठीक है? ये हमारा B part है, और C part है हमारा than that of that one. देखो कितनी बार यहाँ पर that use हो गया है, देखा आपने? तो क्या है हमारा, कहाँ पे error आएगा? अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा error आएगा C वाले में, ठीक है? तो एरर वहां से निकालना है। अब बताओ क्या करना है, बताओ जल्दी। बताओ क्या करेंगे? द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, क्या है? द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर मोर इंटेलिजेंट, इस स्कूल के स्टूडेंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, देन दैट ऑफ दैट वन, देन दैट ऑफ दैट वन। तो क्या ये सेंटेंस हमारा सही है? आपको क्या लग रहा है, ये सही है? नहीं सही है। कहां पर एरर है हमारा? सी पार्ट में हमारा एरर है, यहां पे हमारा एरर है,
ये है जो हमारा डेट ऑफ जो है ये हमारा एरर है। डेट ऑफ की जगह आना चाहिए देन डोज ऑफ, क्या आना चाहिए करेक्ट करके आना चाहिए डोज ऑफ। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन है, जब कंपैरिजन है स्टूडेंट्स के बीच में तो डेट ऑफ नहीं आना आएगा, तो यहां पर आएगा डोज ऑफ द स्टूडेंट्स। आप देखो कितना अच्छा सेंटेंस आप लगेगा जब हम चेंज करेंगे इसको, करेक्ट करेंगे। देखो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, क्या है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ दैट वन, देन दोज ऑफ दैट वन। ठीक है, समझ आई? द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के स्टूडेंट्स आर मोर इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट है देन दैट ऑफ की जगह देन दोज ऑफ दैट वन। तो जब हम दोज ऑफ लगा लेंगे तो हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? चलो नेक्स्ट वन, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स। देखो सेंटेंस को अच्छी तरह सुनो, तीन हो गए हमारे, वन टू थ्री। अब नंबर फोर, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, कहता है एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। तो बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है, जल्दी बताओ, शाबाश बताओ बताओ। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं सही। कहां पर एरर है हमारा? हमारा एरर आ रहा है ए पार्ट पे, कहां पे आ रहा है ए पे। यहां पर एवरी वन ऑफ द फिल्म्स जो है यहां इसकी जगह आना चाहिए ऑल फिल्म्स, ऑल फिल्म्स। समझ आई? क्या आना चाहिए? ऑल फिल्म्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो फिल्म्स हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एवरी वन का प्रयोग नहीं किया जाता। यहां पर है एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, एवरी वन जो है उसका यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं कर सकते, वी कांट यूज एवरी वन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहां पर फिल्म्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, सो वी कांट यूज एवरी वन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऑल फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, ऑल फिल्म्स यू सजेस्टेड, क्या है बेटा? ऑल फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे, द फैक्ट ऑफ हिम, द फैक्ट ऑफ हिम बीइंग ए स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज माई कंडक्ट। दोबारा पढ़ो सेंटेंस को, द फैक्ट ऑफ हिम, ठीक है, बीइंग ए स्ट्रेंजर, द फैक्ट ऑफ हिम बीइंग ए स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज माई कंडक्ट। तो क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है किसी एंगल से? कहां पर है हमारा एरर बताओ बताओ, शाबाश, कहां पर है हमारा एरर? अब आप लोगों को आना चाहिए ना एरर निकालना, तीन चार दिन में करवाऊंगी यही एक्सरसाइजेस, यही मींस कुछ ऐसे ले लूंगी, नेक्स्ट कुछ और ले लूंगी, लेकिन प्रोनाउन पे ही करवाऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हमारा एरर आ रहा है द फैक्ट ऑफ हिम की जगह आएगा द फैक्ट ऑफ हिज बीइंग ए स्ट्रेंजर, क्या आएगा? द फैक्ट ऑफ हिज बीइंग ए स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज माई कंडक्ट। ठीक है, कि अगर वो स्ट्रेंजर है, ये जानकर कि वो एक स्ट्रेंजर है, उससे मेरे बर्ताव में कोई एक्सक्यूज नहीं आएगा। ठीक है, द फैक्ट ऑफ हिज, द फैक्ट ऑफ हिज बीइंग ए स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज माई कंडक्ट। ये पांच सेंटेंसेस मैंने करवा लिए, ठीक है, मैं दोबारा बोलती हूँ पांच सेंटेंसेस को। फर्स्ट है आई इंजॉय माई सेल्फ इन द फ्रेश एयर, ठीक है, करेक्ट हो करके मैंने बताया। सेकेंड वाला है His son wanted to buy everything that he saw in the fair. तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है ऑलरेडी, इसमें कोई भी एरर नहीं है। थर्ड वन, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ दैट वन, देन दैट ऑफ नहीं आएगा,
the students of this school are more intelligent than those of that one. Then those of that one. उसके बाद आ जाओ एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग. एवरी वन ऑफ द फिल्म्स की जगह आएगा ऑल फिल्म्स. क्या आएगा? ऑल फिल्म्स यू सजेस्टेड. ठीक है, ऑल फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग. आगे आ जाओ द फैक्ट ऑफ हिम बीइंग ए स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज माय कंडक्ट. तो यहां पर आएगा द फैक्ट ऑफ हिज बीइंग ए स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज माई कंडक्ट. ठीक है, समझ आ गई? तो चलो आगे. अगला क्या है? वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन. वी हैव बीन नोइंग ईच अदर. ठीक है, तो सिंस वी वर चिल्ड्रन. तो क्या ये सेंटेंस सही है? बताओ. We have been knowing each other since we were children. करेक्ट है ये सेंटेंस या नहीं? बताओ जल्दी. ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है. तो हमारा एरर कहां पर है? बताओ शाबाश. We have been knowing each other since we were children. यहां पर have been knowing नहीं आएगा. क्या आएगा? Have been knowing के स्थान पर आएगा have known. क्या आएगा? Have known. क्यों आएगा? ठीक है, क्यों आएगा बताओ. ये जो नो है ना, ये वर्ब की परसेप्शन है. ठीक है, तो इसके साथ हम इन नहीं लगा सकते. ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया? वी हैव नोन ईच अदर. वी हैव बीन नोइंग की जगह आएगा वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन. समझ आ गई? We have known each other. क्या आएगा? We have known each other since we were children. तो ये हमारा sixth one भी हो गया. We have known each other since we were children. ठीक है, समझ आ गई सेंटेंस की भी? ठीक है, तो चलो आगे. Next, every one of us should realize that any act of intelligence will cause a great harm to our country's security. क्या कह रहा है? Every one of us should realize that. ठीक है? Every one of us should realize that any act of intelligence will cause a great harm to our country's security. तो क्या ये sentence सही है? अब ये बेटा यहां पर जो हमारा हॉर्म लगा है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है. क्या है? अन एरर नहीं है ये. ये मैं आपको बता रही हूं कि ये जो हॉर्म है ये अनकाउंटेबल नाउन है. तो अब अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए नहीं लगाया जा सकता. जैसे यहां पे लगा है एवरी वन ऑफ अस शुड रियलाइज दैट एनी एक्ट ऑफ इंटेलिजेंस विल कॉज ए ग्रेट हार्म टू अवर कंट्री सिक्योरिटी. तो यहां पर ए हमारा एरर आ जाएगा. ए को हम बाहर निकाल देंगे. क्या करेंगे? ए को बाहर निकाल देंगे. यहां पर आएगा ग्रेट हार्म टू अवर कंट्रीज सिक्योरिटी. एवरी वन ऑफ अस शुड रियलाइज दैट एनी एक्ट ऑफ इंटेलिजेंस विल कॉज ग्रेट हार्म टू अवर कंट्रीज सिक्योरिटी. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट. It is necessary for everything to prepare himself. It is necessary for everything to prepare himself thoroughly in his early years for the tasks that he will have to perform in life. तो बताओ क्या आएगा? सही करके ये सेंटेंस क्या आएगा? It is necessary for everything to prepare himself thoroughly in his early years for the tasks that he will have to perform in life. अब देखो यहाँ पर everything नहीं आना चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पर living things की बात हो रही है. It is necessary for everyone आएगा. क्या आएगा? Everyone. It is necessary for everyone. क्या आएगा? It is necessary for everyone
टू प्रिपेयर हिमसेल्फ थॉरोली, ठीक है, इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन टू प्रिपेयर हिमसेल्फ थॉरोली इन हिज अर्ली ईयर्स फॉर द टास्क दैट ही विल हैव टू परफॉर्म इन लाइफ। ये हमारा एट्थ वाला भी हो गया, समझ आ गई ना। इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, हर एक के लिए जरूरी है। इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन टू प्रिपेयर हिमसेल्फ, टू प्रिपेयर हिमसेल्फ थॉरोली इन हिज अर्ली ईयर्स फॉर द टास्क दैट ही विल हैव टू परफॉर्म इन लाइफ। तो चलो नेक्स्ट, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या है, क्या हमारा सेंटेंस है, इन इंडिया, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। तो कहां पर है हमारा एरर, बताओ जल्दी, बताओ बताओ, शाबाश। हमारा यहां पर एरर आ रहा है वुमेन में, वुमेन की जगह आना चाहिए वुमेन, वुमेन। तो क्या आएगा, इन इंडिया वर्किंग वुमेन, एक वुमेन की बात नहीं हो रही, एक औरत थोड़ी इंडिया में काम करती है, कितनी सारी वर्किंग वुमेन है, वुमेन नहीं आएगा यहां पर, आएगा वुमेन। तो क्या आएगा, इन इंडिया वर्किंग वुमेन, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। आगे, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली। तो क्या ये सेंटेंस ठीक है, बताओ जल्दी, हार्डली की जगह यहां पर आएगा हार्ड, हार्डली होता है मुश्किल से, हार्ड होता है मेहनत। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा है वो, हार्डली नहीं है आएगा, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से नहीं चाहिए हमें, हमें हार्ड चाहिए, हार्ड चाहिए मीन्स मेहनत कर रहा है, हिज सन उसका बेटा, ठीक है, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो हार्डली की जगह क्या आएगा, हार्ड, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट, द ग्राउंड्स ऑन विच ही वाज पाउडर्ड आर नॉट क्लियर, द ग्राउंड्स ऑन विच ही वाज पाउडर्ड आर नॉट क्लियर। तो बताओ क्या आएगा यहां पर, ठीक है, देखो, द ग्राउंड्स ऑन विच ही वाज पाउडर्ड, एक तो पाउडर्ड का मतलब होता है किसी को क्षमा करना भी, एक पाउडर, पाउडर्ड का दूसरा भी मीनिंग होता है रिलीज करना किसी को, ठीक है। द ग्राउंड्स ऑन विच ही वाज पाउडर्ड, ये सेंटेंस जो है फर्स्ट पार्ट में देखो हमारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, द ग्राउंड्स ऑन विच ही वाज पाउडर्ड, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो किस में है, पास्ट में है, ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन पास्ट, पास्ट में है, तो नेक्स्ट भी पास्ट में आएगा, द ग्राउंड्स ऑन विच ही वाज पाउडर्ड वर नॉट क्लियर, क्या आएगा, वर नॉट क्लियर। समझ आ गई आप लोगों को सारे सेंटेंसेस की, आ गई समझ, तो आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट हम कल करेंगे, थैंक यू।